नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजीत बिजनेस आइडियाज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए हमेशा यूनिक कॉन्सेप्ट और यूनिक बिजनेस की तलाश में रहते हैं। दोस्तों, उसी बिजनेस की तलाश में मैं दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर दूर पहुंच चुका हूं एक यूनिक आइडिया के साथ। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए बिजनेस लेके आया हूं, इस बिजनेस को यदि आप स्टार्ट कर लेते हैं तो सिर्फ आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको आपका जो इसमें सिर्फ सर्विस का कॉस्ट आएगा, आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं आएगा। मतलब आपको जो इसमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी वो आपको इसमें बिल्कुल जीरो लगभग रहने वाली है, और जो मेन आपका खर्चा आएगा वो सिर्फ ओनली सर्विस का आने वाला है। और दोस्तों, ये जो सेटअप है, आपको यदि ये सेटअप कहीं और से लेते हैं तो लगभग इसमें आपको 3 से 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन इस सेटअप को आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, वो भी सिर्फ 3-4 लाख रुपए देने की भी जरूरत नहीं है। आपको 1 लाख रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। आप इस मशीनरी को सिर्फ अपने घर बैठे 35,000, जी हाँ दोस्तों, 35,000 रुपए में इस मशीनरी को आप घर बैठे मंगवा सकते हैं और एक अपना सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, इस बिजनेस की हर जगह डिमांड है और हर जगह दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, चाहे वो गांव हो या शहर हो, हर जगह इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, क्या है ये प्रोडक्ट। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था, मैं दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर सर से स्पेशल मिलने के लिए आया हूं, क्योंकि इनका जो आइडिया है औरों से बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल हटके है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजीत बिजनेस आइडियाज में। अजीत सर, नमस्कार। थैंक यू सर। आपके व्यूअर को भी नमस्कार। जी जी। एक्चुअली सर, यूनिक आइडिया तो है जी, और आप आए हैं उतना दूर दिल्ली से जी जी, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और आपको हृदय से बधाई, धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे ये जो बधाई के पात्र हैं सर, हमारे ऑडियंस लोग होते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं जी, जो कि उन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है कि हमारे अप्रोक्स 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स लगभग कंप्लीट होने जा रहे हैं, और 20-30 हज़ार रह गए हैं, वो लगभग इस महीने में कंप्लीट हो जाएंगे जी। तो 20 लाख लोगों की हमारी फैमिली बन चुकी है जी। तो हमारा भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए हमेशा कुछ ऐसी ट्रांसपेरेंसी लाएं कि मतलब उनसे कोई धोखाधड़ी ना हो, कुछ ऐसी जगह विजिट किया जाए कि मतलब अच्छी तरीके से वो कारोबार कर सकें, और एक ऐसे बिजनेस आइडियाज़ लाया जाए जिससे वो अपना कारोबार एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट कर सकें। और सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों के पास आजकल के टाइम पे, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना के काल के टाइम पे लोगों के पास इन्वेस्टमेंट की काफ़ी प्रॉब्लम है, लोगों के पास 3-4 लाख रुपये या 5 लाख रुपये नहीं होते कि वो अपना एक सेटअप स्टार्ट कर सकें, क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है एक बड़े सेटअप की स्टार्टिंग करने के लिए एक बड़े बजट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसका सॉल्यूशन आपने निकाल दिया है, और सिर्फ जैसा कि सर ने बताया कि 35,000 में आपको ये मशीनरी घर बैठे प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो सर, किस तरीके से आप प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि आप बता रहे थे अपने लोकल में, या फिर अगर कोई दूर आपसे मशीनरी लेना चाहे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, या अपने लोकल में, अपने लोकल में लोगों को क्या आप फ़ायदा देने वाले हैं, या फिर दूर के लोगों को क्या प्रॉफिट होने वाला है? नहीं, एक्चुअली सर देखिए, लोकल की बात नहीं है जी जी, बिजनेस लोकल से सिर्फ नहीं होती है जी जी जी, और ये पूरा भारत हम लोगों का फैमिली है जी सर। इसलिए यूपी बिहार की इसमें बात नहीं है। जो भी मेरा भाई, आपके व्यूअर सब्सक्राइबर, जो भी देखता है इस वीडियो को, अगर सामने से कॉल करता है तो उसको हम ये चीज़ प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। कुछ हमारी भी प्राइवेसी है, उस प्राइवेसी को उसको भी समझना होगा और उसके प्राइवेसी को हम समझेंगे। जैसे मैं, हमारी जो 500 लीटर की प्रति घंटा, यानी एक घंटे में 500 लीटर जो पानी देता है पीने वाला जी, तो उस मशीन को हम लोग डाउन पेमेंट 35,000 रखे हुए हैं। अच्छा, 35,000 में उसको दे दिया जाएगा मशीन। अच्छा, बाकी का पैसा नो ब्याज, नो इंटरेस्ट, किसी बैंक से नहीं। आप ही जैसे कोई बड़े उद्योगपति हैं, वो हमें फाइनेंशियल प्रमोट कर रहे हैं, वो मैं एक हाथ से लेकर के दूसरे हाथ से, अच्छा, दूसरे जने को दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो सर, जैसा कि दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि हम जो बात करने जा रहे हैं वो आरओ प्लांट। जी हाँ दोस्तों, आरओ प्लांट की हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, चाहे गाँव हो या फिर शहर हो। आपको पता है कि हर जगह पानी है वो दूषित होता जा रहा है, और उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन एक ही है, हमारा आरओ प्लांट हर जगह होना चाहिए, हर गांव-गांव में होना चाहिए, और हर कोई आरओ प्लांट लगाना चाहता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की कमी के कारण, बजट की कमी के कारण वो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, जो कि सर पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। सिर्फ आपको 35,000 में एक छोटा सा आरओ प्लांट आपके घर पे लगा दिया जाएगा, पूरा कोऑपरेट करेंगे। किस तरीके से करेंगे सर, वो भी बताइए हमारे ऑडियंस को। जी जी। कुछ अगर आरओ प्लांट हम लोग दे देते हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, तो पहले तो हम लोग अपने कस्टमर को वीडियो कॉल पे
उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो डिस्टेंस के ऊपर निर्भर करता है कि कितने समय बाद पहुंचेगा कस्टमर के वहाँ मेरा टेक्नीशियन। अच्छा, अच्छा। जैसे बहुत दूर होता है तो 24 घंटे मान लिया जाए। अच्छा। हाँ 100-200 किलोमीटर रहता है तो 12 घंटे के अंदर में मोटरसाइकिल वोटरसाइकिल चाहे जो भी ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल जाते हैं उससे हम लोग उस प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। और ये जो फाइनेंशियल चीज़ें चल रही हैं ये लगभग में यूपी और बिहार, चूंकि हम लोग कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो हमारा गोपालगंज सटे का है, सीवान सटे है, आपका बगहा सटे हुए है, तो ये पकड़ करके 50 मशीन से ऊपर ही लग चुकी है और लोग लाभ इसका उठा रहे हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सर कहना चाहते हैं कि ये जो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने वाले हैं आपको, और सर ये आप मतलब कि जो पहले जो पेमेंट की जाएगी वो 35,000 की जाएगी, उसमें आप 500 नहीं सर, 35,000 बाउंड्री नहीं है। अच्छा। अगर कोई कस्टमर हमारा जी दूरी के ऊपर पता चल जाएगा, जैसे मान लीजिए 100 किलोमीटर 200 300 500 1000 किलोमीटर जितना दूरी का है, क्योंकि ये छोटा आइटम नहीं है तो इसलिए फ्लिपकार्ट जैसा अमेजोन जैसा हम इसको डिलीवर नहीं कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट से। वो तो है। हाँ, इसको छोटा या जो हाथी आता है टाटा का चाहे महिंद्रा का जो गाड़ी आता है उसमें हम लोग इसको लोड करा करके उसकी किराया भाड़ा अगर कस्टमर देने के लिए तैयार होता है तो उसके दरवाजे पर हम लोग डिलीवर करवा देते हैं। अच्छा। वो अपना माल देख ले, देखने के बाद से पेमेंट कर दे। अच्छा, वाह, मतलब कि आपको पूरी पेमेंट जब आपका डिलीवर हो जाएगा तब पेमेंट करनी है। जी, तभी भी पेमेंट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, तो उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी, मतलब आपसे कोई कई बार ऐसा होता है कि आपको कन्फ्यूजन होती है कि जैसे कई बार आप मशीनरी लेते हैं आप उनके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं तो कई बार आपको ये दिक्कत होती है कि आपके पास वो मशीन पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं है। आपको भारत बहुत बड़ा देश है, सारे लोग आ नहीं सकते हैं, आपके व्यूअर विदेश से लेकर के और पता नहीं कहाँ कहाँ तक के हैं तो आ नहीं सकते हैं, इसलिए वो सिर्फ हमें ट्रांसपोर्ट का फ्लाइट चार्ज जो होता है खर्चे होते हैं रास्ते के वो हमें प्रोवाइड करा दे, और मशीनरी जब उसको दरवाजे पे मिल जाएगी तो हमें मशीनरी का पैसा हमें दे दे। सर ऐसा तो नहीं है कि 35,000 पेमेंट करने के बाद आप उनका पैसा आप ब्याज के रूप में वसूलें, मतलब कि इंटरेस्ट के रूप में वसूलें? आपसे पहले हम कह दिए हैं जी, बकायदा हम उनको लिखित रूप में देंगे जी, पहले मशीनरी हम उनको नहीं देंगे, उनका आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगेंगे। अच्छा। उस आधार कार्ड की फोटोकॉपी पे कुछ लिखित उनको देंगे। ओके। उनके एड्रेस पे स्टैम्प पे लिख करके उनको देंगे, हम जेरॉक्स करा करके देंगे। ओके। कि आप देख लीजिए बिना इंटरेस्ट का बिना ब्याज का आपको ये मशीनरी प्रोवाइड कराई जा रही है, वो भी उसके अगेंस्ट में अगर हम कुछ अपने जगह से हिलते हैं कुछ दिमाग लगाते हैं तो उसके अगेंस्ट में वो भी कर सकते हैं, और पैसा मेरा उनके वहाँ रुक रहा है। अच्छा। ना कि उनका पैसा मेरे वहाँ रुक रहा है। अच्छा, अच्छा, समझ इस बात को भी तो समझिए। ओके ओके ओके, तो दोस्तों आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो सर उसकी जो ड्यूरेशन होगी इंस्टॉलमेंट की जो ड्यूरेशन होगी कितने पार्ट पेमेंट में वो कर सकते हैं? सर एक्चुअली मेरे रजिस्टर में थोड़ा सा लिखा हुआ है, मैं देख के बता देता हूँ आपको जी। जैसे 500 लीटर एलपीएच की जो आरओ होगी घंटे में, प्रति घंटे में 500 लीटर की पानी जो देने की कैपेसिटी मशीन रखती है उसकी उसकी एक साल की फुल गारंटी है। मेम्ब्रेन हो, पंप हो, वेसल हो, कोई भी चीज़ हो, एक साल की फुल गारंटी है। लेकिन उस गारंटी के पीरियड में कस्टमर को जो भी एडवाइस दिया जाएगा उसको फॉलोअप लेने होंगे। जैसे ये बिग ब्लू होता है इसमें फिल्टर होते हैं, हर महीने 500 का खर्चा आता है, बस यही खर्चे आएंगे, दूसरा खर्चा नहीं आएगा इसमें चेंज करने के लिए। अच्छा। तो इसको चेंज करने होंगे, अब ये नहीं कि ये एक साल पूरा चलाते रहें, इसको 500 रुपये में चेंज करते रहें। ऐसे ही कुछ प्रिकॉशन दिया जाएगा, बताया जाएगा सावधानियाँ, उनको करने रहेंगे। फिर तो कितने महीने में चेंज, हर महीने करना होता है इसको चेंज? हाँ, हर महीने कर देंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अच्छा। अपनी लाइफ है, अपना मशीन है, अपना बिजनेस है, तो इसको अच्छे से करेंगे तो उतना ही अच्छा आपका साथ देगा। इसका केयर आप करेंगे, ये आपका केयर करेगा। ओके। फिर 1000 लीटर का जो आरओ प्लांट होता है हम लोग उसको 55,000 में डाउन पेमेंट लेके दे देते हैं। ओके। और बाकी का जो रकम होता है उसको किस्तों में लेते हैं। अच्छा। हाँ, 1500 लीटर की जो मशीन होती है उसको 71,000 में हम लोग कस्टमर को दे देते हैं डाउन पेमेंट पे। ओके। बाकी का बैलेंस जो पेमेंट बचा रहता है अच्छा। उसको हम लोग किस्तों में करके लेते हैं। अच्छा, अच्छा। जी, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें सिर्फ आपका जो कॉस्ट आने वाला है, मतलब कि आपको सर मोबाइल, आपको मशीन लेने के बाद
आपको दोस्तों मशीन लेने के बाद आपका जो खर्चा आना वाला है पर मंथ, वो तो सिर्फ जैसे सर बता रहे हैं फिल्टर हो गया, या फिर आप जो स्टाफ अपने जो वर्कर साथ में रखेंगे उनका जो उनको सैलरी देनी है उसका खर्चा आने वाला है, या फिर जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी बस उसका खर्चा आने वाला है। उसके बाद बिल्कुल आप फ्री हैं, क्योंकि धरती से जो पानी निकलता है, हमारी जो धरती माता है, वो जो पानी होता है वो फ्री में ही मिलता है। और सर ने एक और इसका सोल्यूशन निकाला है कि इसकी जो वेस्टेज जाएगी वो वेस्टेज नहीं जाएगी, वो सर ने, सर किस तरीके से वो होगा बताइए हमारे ऑडियंस को। जैसे हम लोग घर में नलका लगवाते हैं, बोर कराते हैं, सेम वही बोर करा देना है दरवाजे पे, चाहे कहीं भी जहां जगह उनको सुटेबल लगता है, और उसमें जो रिजेक्ट पानी होता है उसको आप गिरा सकते हैं उसमें, जबकि वीडियो में हम लोगों ने दिखाया हुआ है इस पे बकायदा, हम आपको दिखा रहे हैं अभी। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो सर एक बार बता दीजिए कि आपके पास किस तरीके से जो आप माल लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे वो क्या क्या आइटम आप प्रोवाइड करवाएंगे? एक तो ये MS का स्टैंड है, MS का मतलब बोलिए तो कार्बन स्टील है, ये भी बहुत हैवी होता है, ये ख़राब होने के चांस नहीं होते हैं, 5-10 साल आराम से चलते हैं। और दूसरा स्टेनलेस स्टील का स्टैंड होता है, और इसको मेम्ब्रेन हाउसिंग बोलते हैं, ये अनकम्प्लीट मशीनें हैं, क्योंकि इस पर धूल धक्कड़ लगने की वजह से पुरानी होती हैं, इसलिए अनकम्प्लीट रखा गया है, जब कस्टमर को ज़रूरत लगता है तो उसको पूरा कंप्लीट करके दिया जाता है। इसमें FRP में आता है, प्लास्टिक में आता है, और SS में आता है। कस्टमर हमको SS बोलेगा तो SS लगा के देंगे, कस्टमर हमें FRP बोलेगा तो FRP लगा के देते हैं। ये वेसल होते हैं, ये 1665 की वेसल है, और ये 1465 की ये 1465 की वेसल है, और ये 1354 की वेसल है। कस्टमर हमें जो भी मांगेगा, दोनों में से कोई भी मांगेगा, उन दोनों में से हम उसको लगवा करके देते हैं। ये फ्लोमीटर होता है, यहाँ पे एक स्टार्टर लगता है या पैनल बोर्ड लगता है। सैंपल के लिए अभी आपको दिखाते हैं, अभी आप इधर आ जाइए, देख लीजिए। ये स्टेनलेस स्टील की मशीन है, ये स्टेनलेस स्टील की मशीन है, ये एरोप्लांट स्टेनलेस स्टील की बोली जाती है, कहा जाता है। स्टेनलेस स्टील की प्राइस दूसरी होती है, हम लोग जितने जिक्र किए हैं लगभग में FRP की जिक्र किए हैं। अगर किसी भाई को स्टेनलेस स्टील की मशीन चाहिए तो वो हमें टेलीफोन से कांटेक्ट करेंगे और उनको ये सुविधा दिया जाएगा, बताया जाएगा। और दूसरी बात ये कि आपके वीडियो जब आप वो करेंगे, अपलोड करेंगे, तो बहुत सारे फ़ोन पाजी आएंगे, तो बिजी होने की वजह से कई सारे नंबर रहेंगे, थोड़े से वेट कर लेंगे या वेटिंग में जाएगा तो उनको कॉल बैक ज़रूर दिया जाएगा, उनको कॉल बैक दिया जाएगा। और जितने भी नंबर मैं दूंगा आपको, सारे नंबर व्हाट्सअप का दूंगा, उस पर अगर किसी का कॉल नहीं लग पा रहे हैं, किसी कारणवश से छूट रहे हैं, तो वो मेरे भाई हमको व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे दिखाए हैं स्टार्टर, इसमें ऐसे पैनल बोर्ड लगा के दिए जाते हैं, ऐसे पैनल बोर्ड लगा के दिए जाते हैं, इसको पैनल बोर्ड बोलते हैं। तो कोई पैनल बोर्ड मांगते हैं, कोई स्टार्टर मांगते हैं, जबकि स्टार्टर की लाइफ लॉन्ग होती है, ये पैनल के हिसाब से उसकी लाइफ लंबा होती है, वो बहुत अच्छी होती है। ये हमारे नीरज राव हैं जी, हमारे ही डिस्ट्रिक्ट से हैं, कुशीनगर से ही हैं। ये हमसे मिले और हमने इनको एक मशीन प्रोवाइड करवाया हुआ है, दिया हुआ है। ये मशीन हम इनको केवल 55,000 में दिया हुआ है। अच्छा, ये 1,000 लीटर की कैपेसिटी की, प्रति घंटा 1,000 लीटर की कैपेसिटी की ये मशीन है। अच्छा, ये पानी पीने योग्य बना करके फिल्टर करके देती है। अच्छा, इसकी प्रोसेस अगर आपको सर शुरू से जानना है तो पीछे नल है। अच्छा, थोड़ा नल पे चल चला। ओके, देखिए वहाँ से नल वाला ये जो बोर है। अच्छा, यहाँ से पानी हम जमीन से लेते हैं, सिंपल ऐसे बोरिंग किया हुआ है पानी जी। ओके, और लेते हैं, ये 100 फीट के लगभग में है। ठीक है, ठीक है, राम वाटर है ये। अच्छा, यहाँ से जब पानी हम ले लेते हैं तो पानी आप अंदर आइए। ठीक है, ये मोटर जमीन से पानी खींचने का काम करता है। ठीक है, यहाँ से लेकर के और ये कच्चा पानी इस टंकी में स्टोर कर देता है। ओके, स्टोर करने के बाद से फिर नीचे देखिए ये निकाला गया पाइप। ओके, ये मशीन को देने के लिए ये पाइप सीधे जा रही है आरओ प्लांट में। ठीक है, आरओ प्लांट यहाँ से पानी लेकर के यहाँ पे इसको, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रेन, फिल्टर, रिंस, बैकवास, इसके प्रोसेस हैं। जो मशीनरी लेते हैं उनको हम लोग बताते हैं, बकायदा ट्रेंड करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर दो वेसले हैं, ये 1354 की दो वेसले हैं। इस वेसल में पानी भरा रहता है, जबकि इसमें कार्बन और एक में मीडिया पड़ी रहती है। ओके,
इससे पानी होकर के जाता है। और आप जानते हैं कि मीडिया मीन्स पत्थर में वो गुण होता है कि पानी के खराब अवशेष को ऑब्जर्व करने की क्षमता रखता है। कार्बन में भी संसार का सबसे पानी को गंदगी को रोकने की क्षमता होती है कार्बन में, ये साइंटिफिक बात है। फिर यहाँ से पानी होकर के आता है इसमें फिल्टर में, इसको बिग ब्लू बोलते हैं। बिग ब्लू को लगभग में महीने भर में इसको चेंज कर दिए जाते हैं, क्योंकि जो ज़मीन से अगर डस्ट निकल के आ रहे हैं, टुकड़े निकल के आ रहे हैं, वो पानी आपका यहाँ पे छन जाता है, वो टुकड़े छन जाते हैं। फिर ये दोनों फिल्टर से होकर के फिर इसको देखिए प्रेशर पंप है काजी, ये ओके, ये प्रेशर पंप है। हम लोग क्रॉम्पटन, सीराई, शक्ति, लूबी चार कंपनियों का जो भी कस्टमर एग्री होता है उसके हिसाब से देते हैं। अगर स्टॉक में नहीं रहता है तो जो स्टॉक में रहता है वो कस्टमर से बात करके दे देते हैं। ओके ठीक है। ये प्रेशर पंप पानी को मेम्ब्रेन में डालता है, यहाँ पे ये पीछे जो ये मोटी वाली पाइप दिखाई दे रही है मेम्ब्रेन, यहाँ से पानी फिल्टर हो जाता है। ओके, कहने का मतलब ओवरऑल जो प्रोसेस है आप पूरा कंप्लीट करके देते हैं अपने कस्टमर्स को जी। तो यहाँ पर जो आए हुए हैं, आपने इनको मशीन दी थी, इनको डील करवाई थी जी। ठीक है ठीक है। सर क्या नाम आपका? नीरज राव। अच्छा, तो सर के साथ काम करने में कोई आपको प्रॉब्लम, कोई जिन्होंने इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे वादे निभा रहे हैं आपके साथ? पूरे वादे निभा रहे हैं। अच्छा, मशीन में कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, वो टाइम पे ठीक होती है? ठीक। आप खुद ही करते हैं या फिर इनकी कंपनी से कोई इंजीनियर आता है ठीक करने के लिए? नहीं, हम बोलते हैं जब फोन करते हैं। अच्छा, कोई आदमी भेजते हैं ठीक करते हैं। अच्छा अच्छा, हमारे पास सर टेक्नीशियनों की 8-9 टीम है। अच्छा, मेंबर है लोग। ओके, वो लोग आगे करते हैं। और छोटा कोई प्रॉब्लम होता है तो वीडियो कॉल पे भी हम लोग इनको सॉर्ट आउट करवा देते हैं प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, हाँ छोटा प्रॉब्लम होता है तो बोल देते हैं वीडियो कॉल करिए, थोड़ा देख लेते हैं कि इनसे हो जाएगा। अच्छा अच्छा, वहीं पे उस काम को करवा देते हैं। और ये मशीन इनको EMI पे दी गई है। अच्छा अच्छा, और ऐसे ही मशीन लेकर के पूरे हमारे यूपी और बिहार के भाई जो भी हैं, इवन ऑल ओवर इंडिया की भी बात कर सकते हैं, हम लोग भारत में हैं, कोई यूपी बिहार में बांटा नहीं है। जो भी इंटरेस्टेड होगा, हमारी 500 लीटर की मशीन 35,000 की डाउन पेमेंट पे। अच्छा, और 1,000 लीटर की मशीन। अच्छा, 55,000 की डाउन पेमेंट पे। 1,500 की मशीन। अच्छा, 71,000 की डाउन पेमेंट पे दे दिया जाएगा। बाकी का रकम जो होगा वो बिना इंटरेस्ट, बिना ब्याज की। अच्छा, किस्तों में 12 महीना, 18 महीना। इवन अगर कभी कभी कोई कस्टमर ऐसा होता है कि जिसको दिक्कत हो जाता है, उसको उसकी दिक्कत को समझते हुए हम लोग 2 साल भी कर सकते हैं। ओके ओके, इसका कोई ब्याज नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि पानी की हर जगह जरूरत है, चाहे वो गाँव हो या शहर हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा एक देहात गाँव के इलाके में पहुंच गया हूं। यहां पर एक थोड़ा गांव टाइप का बना हुआ है, कुछ एक यहां पर घर हैं, लेकिन जो हमारे जिन्होंने ये मशीन लगाई हुई है, जो इनके कस्टमर हैं जिन्होंने मशीन ली है, तो एक बार इनसे पूछ लेते हैं। क्योंकि जो अर्निंग होती है वो डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर। अगर आपका एरिया बड़ा है, अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो उसके हिसाब से भी अर्निंग होती है। तो सर से एक बार मैं जानने की कोशिश करूँगी सर कि आपको काम करते हुए कितना टाइम हो गया मशीन लेते हुए? लगभग 3-4 महीने। 3-4 महीने हो गए आपको। और जो आपकी अर्निंग है वो दिनों दिन बढ़ रही है, नॉर्मल है, या फिर कितनी तक आप कमा रहे हैं पैसे यहाँ पर? अर्निंग बढ़ रही है सर। अच्छा, बढ़ रही है। कितना कुछ कमा लेते हैं सर आप? लगभग 800-1,000 रुपये पर डे इस समय हो रहा है। अच्छा, पर डे 800 रुपये से 1,000 रुपये आप कमा लेते हैं जी। और ये दिनों दिन बढ़ रहा है? जी जी बढ़ रहा है। ठीक है ठीक है। तो सर चलते हैं आगे फिर हम। एक और बहुत अच्छा पॉइंट पाजी याद हमको आ गया जी। देखिए संजोग से ये RO के बिजनेस में लोग कहते हैं कि RO हम लगवा लेंगे, लेकिन हमारा पानी बहने का कोई रास्ता नहीं है। पानी बहने का मतलब यह है कि गड्ढा नहीं है, नाली नहीं है, पानी कहाँ जाएगा, वेस्ट वाला पानी, ये समझ नहीं आता है। तो देखिए अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी होती तो चला करके दिखा दिया जाता, क्योंकि गांव में बिजली 12 घंटा 15 घंटा ही रहता है। संजोग से आप आए तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जी। ये जमीन में बोर करवाए हुए हैं जी। बोर करवा करके जितना यहाँ पे इनका वेस्ट पानी जाता है, जैसे 1,000 लीटर से 1,000 लीटर पानी बेकार जाता है जी, तो उस पानी को इस बोर में डाल दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। इतना ही पानी देखिए गीला पड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा तो हर जगह होना चाहिए कि जितना पानी जो हम यूज कर रहे हैं, अगर उसमें वेस्टेज निकलती है तो उसका इस्तेमाल फिर दोबारा से उसको यूज किया जा सके, तो उसको दोबारा से हम उसको पानी उसमें धरती में डाल देते हैं ताकि उसका दोबारा यूज हो सके। बिल्कुल जी जी जी, ये होना चाहिए, क्योंकि फ्री में ले रहे हैं जी, उतना तो आपका कर्तव्य बनता है जी जी। तो दोस्तों, यदि आप इनसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके ऑफिस का मैं यहाँ का पूरा एकदम आपको करंट लोकेशन भेज दूंगा, इनका एड्रेस भेज दूंगा। और यहाँ पर देखिए इनके सामने इनके कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं, इनसे आप कॉन्टैक्ट करके मशीनरी अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। और दोस्तों, अजीत बिजनेस आइडियाज़ की आपसे राय यही है कि जब भी कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करें, हम सिर्फ आपके लिए
ऑप्शंस लाते हैं, बिजनेस कौन सा करना है ये आपका ओपिनियन है, कौन सा बिजनेस आप करना चाहते हैं, कौन सा स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारी उम्मीद यही रहती है आप लोगों से कि आप हमेशा विजिट करके ही बिजनेस करें। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए गूगल लोकेशन दी गई है, इनका एड्रेस दिया गया है, और वैसे भी अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहें मतलब टेलीफोनिक के थ्रू, तब भी आपके पास मशीनें पहुंच सकती है, क्योंकि हम यहां पर आके देखते हैं, चेक करते हैं, तभी आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फिर किसी ने दूसरे बिजनेस की तलाश में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।